सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिरोजपुर। अभी आपकी उम्र कितनी है? 25। और आपने लिखा कि पिछले 20 साल से आपको दुष्टात्मा ने जकड़ा हुआ था। जी। यानी जब आप 5 साल की उम्र के थे तब से दुष्टात्मा के अटैक्स आपके ऊपर होते थे। हाँ जी। आप बताइए क्या क्या होता था दुष्टात्मा के कारण आपको? मेरे सिर में सूजन आ जाती थी, ऐसे लगता था जैसे सिर में सांप चलते हैं, और बहुत लोग मुझे दिखाई देते थे, हजारों की गिनती में मेरे आसपास भीड़ ही लगी रहती थी, कभी बच्चे कभी बूढ़े, और मैं बहुत बीमार भी होती थी, उठ भी नहीं पाती थी, बेड पे ही रहती थी और मेरे मम्मा पापा ही मुझे संभालते थे। और आपने लिखा कि आपको दुष्ट आत्माएं की आवाजें सुनाई देती थी। जी, वो मुझे सुनाई देती थी, दिखाई भी देती थी और मुझे बहुत तंग करती थी। और जब आप इन बातों के बारे में अपनी मदर को अपनी फैमिली को बताते थे क्या बोलते थे वो आपको? जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं करता था क्योंकि मैं बच्ची थी और सबको लगता था कि शायद शरारतें करके डरा रही हूँ अपने भाई बहनों को। और आपने लिखा कि आपको दुष्ट आत्माएं लड़के लड़कियों के रूप में, बुजुर्गों के, बच्चों के, किनर्स के और छोटे बच्चों के रूप में आपको रियलिटी में खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्माएं दिखती थी। हाँ जी, मुझे ऐसे दिखाई देती थी, इतनी भीड़ होती थी कि मैं जिंदा और मरे में फर्क भी नहीं बता पाती थी कि कितने लोग खड़े हैं और इनमें से जिंदा कौन है और मरा हुआ कौन है। और जब आप 13 साल की उम्र के हुए, 13 साल में आप जब स्कूल जाते थे, आपने लिखा कि आपको एक लेडी काला बुर्का पहने हुए दिखाई देती थी, क्या क्या कहती थी दुष्ट आत्माएं आपको? वो मुझे कहती थी कि हमें तेरे से बेबी चाहिए और हम तुझे मार देंगे और हमारे साथ ही चल, हमारे साथ ही रहो। दुष्ट आत्माएं आपको ऐसे आवाजें देती थी। हाँ जी। और आपने लिखा कि एक बार आप एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे, क्या दिखा आपको जाते हुए? मुझे देखा कि सड़क में 3-4 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनको बचाने के लिए एक्टिवा को साइड से लेकर गई और मैं गिर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट आई। और वहां पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने आपको उठाया, क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, बस ये चलाते चलाते और गिर गई। क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं आपको नजर आती थी पर लोगों को वो दुष्ट आत्माएं दिखाई नहीं देती थी। हाँ जी। इस कारण आपको दुष्ट आत्माएं बच्चों के रूप में देखी और आप एक्टिवा से गिर गए। कहाँ कहाँ चोट लगी आपके? सिर पर लगी, आंख पर, हाथ पर और पैर पर। जब आप स्कूल में जाते थे 13 साल की उम्र में, आपने लिखा जब स्टडी कर रहे थे, क्या हुआ स्कूल में आपके साथ? स्कूल में मेरे टीचर के पीछे मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, वो बहुत तेज दौड़कर मेरी तरफ आया, उसने मेरे हार्ट पर बहुत जोर से पंच किया और मैं गिर गई, मेरी हार्ट बीट भी रुक गई थी, मेरे टीचर्स ने और डिस्पेंसरी की नर्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया। और आपके टीचर्स ने आपके मदर को फोन करके स्कूल में बुलाया और आपको हॉस्पिटल लेकर गए, क्या कहा डॉक्टर ने जब हॉस्पिटल ले गए तो? जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो पहले ही मुझे होश आ गया और डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया, रिपोर्ट से तो लग रहा है कि जैसे हार्ट कभी रुका ही नहीं है और हार्ट अटैक के भी कोई सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है आप जानते हैं कि वो रिपोर्ट्स में नहीं आती, वो मेडिसिन से ठीक नहीं होती। इन्होंने MRI कराई, ECG कराई, डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। जब आप रात को सोते थे क्या होता था आपके साथ? मुझे सपने आते थे, बहुत से बच्चे कभी मेरे बाल खींचते थे, मुझे काटते थे और कभी बड़े लोग भी मुझे मारते पीटते थे, मेरे सिर पर बहुत ज़्यादा मारा करते थे मुझे, जिस कारण मेरा सिर बहुत ही स्वेल्ड रहता था। और डॉक्टर ने आपको बोला था कि इन्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्या होता है वो बताइए आप? उसमें डॉक्टर ने बताया कि ये जो है इसको अलग अलग इंसानों की तरह एक्ट करने की आदत है, इसके दिमाग में ये बात है और इसको मेडिसिन खानी पड़ेगी काफ़ी सालों तक। क्योंकि आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे 5 साल का एक बच्चा होता है। हाँ जी, मैं नॉर्मल हो चुकी थी और दुष्ट आत्मा मेरे में बोला करते थे। डॉक्टर ने क्या बताया कि कौन सी बीमारी है ये? डॉक्टर ने कहा ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसमें इंसान 2-3 तरह के इंसानों की तरह बन जाता है। कितनी टैबलेट्स, कितनी गोलियां आप दिन में खाते थे बताइए आप? इसके बाद जब सीजोफ्रेनिया की बीमारी मुझे बताई गई, उस दिन के बाद मैं 5 सालों तक हर रोज 49 मेडिसिन खाती थी। दिन में कितनी कितनी बार, कितनी कितनी गोलियां खाते थे आप? सुबह 15 से 17 और ब्रेकफास्ट के बाद भी इतनी ही, दोपहर को 6 और रात को सोने से पहले 11, जिनमें सारी नींद की मेडिसिन होती थी। वो डॉक्टर आपको वैसे ही नींद की दवाइयां देते थे ताकि आप रेस्ट कर लो, ताकि आपको आप सो सके और आप रिलैक्स हो सके। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था तो डॉक्टर यही सजेस्ट करते थे कि इसके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है,
इसके ब्रेन में पानी पड़ चुका है या स्वेलिंग हो चुकी है, उनको कुछ भी समझ नहीं आता था। इन्होंने लिखा कि ब्रेकफास्ट से पहले 15 गोलियां, ब्रेकफास्ट करने के बाद 17 गोलियां, लंच के टाइम 6 गोलियां और डिनर के टाइम 11 गोलियां, यानी एक दिन में 49 टैबलेट से हर दिन खाते थे और लगातार 5 साल तक इन्होंने ऐसे ही दवाइयां खाई। आपने लिखा कि उसके बाद जब डॉक्टर के पास आपकी फैमिली फिर आपको लेकर गई, क्या नजर आया जब आप डॉक्टर के सामने गए तो? वहां पर भी मुझे इविल स्पिरिट्स ही दिखाई दे रही थी, इवन डॉक्टर के पीछे भी। और मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अभी भी यही कुछ दिखाई देता है। और डॉक्टर ने कहा कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ेंगे, इसको मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है और ये कभी हील नहीं होगी। आपके मोबाइल को जब उन्होंने चेक किया, क्या था मोबाइल में? मोबाइल में मेरे ऐसे ही हॉरर पिक्चर्स, वॉलपेपर्स और मूवीज थी। जैसे हॉरर मूवीज होती है, भूतों की पिक्चर्स आती है, वैसी सभी फोटोज आपके स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर कौन सा लगा हुआ था? जैसे कोई आदमी अपने आप को फांसी लगाए हुए खड़ा है। और मैं अपने घर में ड्राइंग्स भी दीवारों पर करती थी कि हाथों से खून निकल रहा है, और मैं खुद के भी हाथ काट के इविल स्पिरिट जो थी वो मुझ में मेरा ही खून निकाल के उसको चाटती थी। और इन्होंने लिखा कि 20 साल लगातार ये अपने बालों को नोचते थे, नोच के अपने बालों को उखाड़ देते थे, और जिस कारण इन्होंने एक बार अपने आईब्रोज, अपने बाल भी पूरी तरह से रिमूव कर दिए थे। आपने लिखा कि आपको एक सपना आया था कि आप एक नए बच्चे जो पैदा होते हैं, 1000 बच्चों के दिल आप खा रही हैं, क्या था वो सपने के बारे में बताइए? वो सपने मुझे 15 साल की उम्र से ही आने शुरू हो गए थे। मेरा मन करता था कि मैं न्यू बॉर्न बेबीज के दिल निकाल कर उन्हें खा जाऊं, और सपने में भी यही दिखाई देता था कि मेरे घर में बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज हैं जिनकी डेड बॉडीज ही हैं, और उनमें से हर किसी का दिल निकाल कर मैंने अपने आगे रखा हुआ है उन्हें खाने के लिए। क्योंकि जब आप सुबह उठते थे आपको कच्चा मीट खाने को आपका दिल करता था, शराब पीने को दिल करता था, आपके पास आपका छोटा भाई रहता था, क्या क्या उसको देख के क्या आता था आपके मन में? वो बहुत छोटा था और उसको भी देख के मुझे उसको खाने का मन करता था। कितनी बार मैंने कोशिश भी की, उसकी चीक्स पर भी बाइट करने की कोशिश की, पर मुझे बहुत रोना आता था कि ये तो खुद के बच्चे जैसा है और मैं ये क्या कर रही हूँ। हर बार मुझे बहुत रोना आता था, पर फिर भी मेरा खुद पर कोई काबू नहीं रहता था, मेरा बस उसको खाने का मन करता था और मेरे मुंह में उसे देखकर। और जब आप अपने भाई को देखते थे तो आपका मन करता था कि आप उसे खा जाएं, और आप उस अपना अपना ब्लड खुद आप चूसते थे उस समय? हाँ जी। और अपने आप को आप हर्ट करके अपने आप का ब्लड निकालकर आप चाटते थे उस समय? हाँ जी। और आपने लिखा कि आपने अपने भाई की जो चीख के ऊपर, उनके गाल के ऊपर इतनी जोर से बाइट की थी और उसके भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी उस कारण? हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको केवल नशे की मेडिसिन देते थे, इंजेक्शन देते थे ताकि आप सो सको उसके कारण, और आपकी MRIs हुई, ECG हुई, अल्ट्रासाउंड हुई, दिमाग के आपके जो स्कैनिंग हुई और इलेक्ट्रिक शॉक डॉक्टर्स ने आपको लगाए, लेकिन किसी से भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने लिखा कि आप उसके बाद कोमा में चले गए थे। हाँ जी। कितने साल कोमा में रहे आप? 1.5 साल में कोमा तक रही मैं। कैसे कैसे घर पे, कैसे आपके मदर, आपके फादर, आपके कैसे आपके साथ रहते थे? मदर ही मुझे संभालते थे और मेरी बड़ी बहन और ताई जी और पापा। बेड पर ही सब, टॉयलेट वॉशरूम में होती थी, मुझे कोई होश नहीं होती थी, ना खाने पीने की, ना उठने की, बस जब आँख खुली तब खाना खा लेना, वरना सोते ही रहना 10-10 दिनों तक। और फिर उसके बाद लगातार 1.5 साल में कोमा तक रही, और फिर मुझे कोमा में होने के बाद भी ऐसा ही लगा कि जैसे मैं एक वेल में कैद हूँ, और वहाँ भी इविल स्पिरिट मुझे टॉर्चर करती रही। और आपने लिखा कि आपकी मदर को भी वो दुष्ट आत्मा खुली आंखों से देखती थी कि कोई आपको खींच के कमरे में लेकर जा रहा है। हाँ जी, मेरे मदर ने खुद एक्सपीरियंस किया उन्हें मुझे ले जाते हुए। और आपने लिखा कि आपकी फैमिली वाले, आपके परिवार वालों ने ऐसा किया कि आपके घर में जितने भी दरवाजे लगे हुए हैं उनके सभी के लॉक जो होते हैं, जो कुंडियाँ होती वो उखाड़ दी थी कि कहीं आप कमरे में बंद करके अपने आप को कुछ कर ना लो। हाँ जी, ऐसा ही किया था। आप पागलों की तरह कैसे हरकतें करते थे, क्या होता था जब पागलपन? मैं बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुकी थी, कुछ होश नहीं रहती थी, ना कपड़ों की, ना चलने फिरने की, बस मेरे मदर ही संभालते थे, वो ही कपड़े पहनाते थे, बाहर लेकर जाते थे, और मैं अपनी उंगलियां भी जैसे बच्चे करते रहते हैं वैसे ही चूसती रहती थी। और आप अलग अलग तांत्रिकों के पास हुए गए जी, और 2012 में आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए गए। हाँ जी। और उसके कारण भी आपको
कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। क्या क्या होता था जब इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे आपके ऊपर, उसके बारे में बताइए आप। क्लिप्स लगा देते थे, मुंह में कपड़ा डाल देते थे और 15 दिन तक हर रोज 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं हाई वोल्टेज के, जिसके कारण स्किन भी जल जाती थी और बॉडी का पूरा खून भी सूख जाता था। जब आपकी फैमिली आपको किसी तांत्रिक के पास लेकर गए, क्या कहा उन्होंने आपको देखे? उसने कहा इसके साथ तो 200 से भी ज्यादा इविल स्पिरिट्स हैं, इसने बचना नहीं है, ये तो मर ही जाएगी। उस तांत्रिक ने बोला कि इसके अंदर 200 से भी ज्यादा अधिक दुष्ट आत्माएं रहती हैं। हाँ जी। क्या क्या किया उन्होंने फिर आपके साथ? उन्होंने जो भी उनका मंत्र पूजा होती है वही सब किया काफी सालों तक, और हर हफ्ते मेरे मदर से कभी 70,000 और कभी 80,000 लेते थे और कहते थे कि अगर यही दोगे तो ये जिंदा रहेगी वरना मर जाएगी। और आपके आपने लिखा कि वो आपको सांकलों से मारते थे, जिस कारण आपका चूल्हा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी के मनके भी आपके हिल चुके थे, और हर हफ्ते 70,000 से 80,000 रुपये आप वहाँ पर देते थे। और 2017 में आपने लिखा कि आपकी फैमिली आपको ऑस्ट्रेलिया में लेकर गए। हाँ जी। क्या क्या हुआ जब आप ऑस्ट्रेलिया गए? तो ऑस्ट्रेलिया गई तो मैं खुश थी कि एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, अब शायद इविल स्पिरिट्स परेशान नहीं करेंगी, पर वहाँ जाकर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, वो यहीं से मेरे साथ गई और वहाँ भी जो लोग मरे हुए थे वो भी मेरे साथ ही हो चले, और वो भी मुझे यूं ही तंग करते थे, और कभी मेरा सुसाइड करने का मन करता था, मैं समंदर में बस चली जाती थी, मुझे दिखता था कि सामने रोड है पर मैं सुसाइड करने के लिए पानी में ही चली जाती थी, और कभी चिल्लाती थी। तो कई बार मैंने अपने फादर का भी गला दबाने की कोशिश की तो मेरे फादर ने मुझे इंडिया वापस भेज दिया। आप अलग अलग भाषा में बातें करने लगते थे जब दुष्ट आत्मा आपके बीच से बातें करता था, कौन कौन सी भाषा बोलने लगते थे आप? ज़्यादातर मेरे मदर बताते हैं कि मैं उर्दू ही बोला करती थी और कभी कभी उल्टे वर्ड्स बोला करती थी जो समझ नहीं आता था, क्योंकि आपको अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से अलग अलग भाषाएं बोलते थे। हाँ। और फिर जब आप फिर से तांत्रिक के पास गए, फिर क्या कहा उस तांत्रिक ने, क्या बताया आपको कि कितनी दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा है आपको? जब ऑस्ट्रेलिया से मैं यूं वापस आई तो तांत्रिक ने बोला कि अब तो इसके पास 1,000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं हैं। 1,000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं इनके अंदर है, क्योंकि पहले जब आप तांत्रिक के पास गए थे उन्होंने बोला था कि 200 से ज्यादा है, लेकिन अब जब आप ऑस्ट्रेलिया से वापस होकर दोबारा तांत्रिक के पास गए तो उन्होंने बताया कि 1,000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं आपके अंदर है। हाँ जी। और वो मुझे आसपास पूरा दिखाई भी देती थी, भीड़ ही लगी रहती थी मेरे आसपास हमेशा। आपने पिछले 20 सालों में कितने डॉक्टर, कितने तांत्रिकों के पास जाकर आपने अपने आप को दिखाया था? 10 से 12 डॉक्टर्स बदले और काफी तांत्रिकों को दिखाया, सबसे पहले तो कोई तांत्रिक। और टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए इसके ऊपर? 28 करोड़ से भी ज्यादा। 28 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने तांत्रिकों के पास, डॉक्टरों के पास खराब कर दिए थे सिर्फ इस दुष्ट आत्मा के कारण। हाँ जी। 28 करोड़ 8,80,000 रुपए आपने ऐसे ही खराब कर दिए डॉक्टरों के पास जाकर, तांत्रिकों के पास जाकर। हाँ जी। इतना पैसा खराब करने के बावजूद भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे फादर मसीह में आ चुके थे और वो मुझे चर्च में ले जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में ही, पर जो तांत्रिक था उसने कहा कि नहीं, चर्च में नहीं लेके जाना, वहां तो ये मर ही जाएगी और ज्यादा बीमार हो जाएगी। और कितनी बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की? 50 से भी ज्यादा बार मैंने खुद को मारने की कोशिश की। 50 से भी ज्यादा टाइम आपने अपने आप को सुसाइड करने की, अपने आप को मारने की कोशिश की? कैसे कैसे आप अपने आप को मारना चाहते थे? कभी हाथ काट लेना, कभी पानी में डूब जाना, कभी दीवारों में सर इतनी जोर से पटकना कि मेरा सर फट जाना। और चर्च के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरे कजन हमारे घर पे आए थे और उन्होंने बताया कि इसको खामरा चर्च में लेकर आओ, वहाँ सब अच्छे होते हैं, तो ये भी होगी, विश्वास के साथ इसे लेकर चलो, वो जिंदा चर्च है और ये वहाँ बिल्कुल हील होगी। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं इस बात के लिए। पहले सब सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आपने लिखा कि फिर आपकी मदर 3 अक्टूबर 2020 को प्रेयर टावर से आपके लिए प्रार्थना करवाने लगे। जी। क्या हुआ उसके बाद? जब शुरुआत में प्रार्थना करवाने लगे तो जो इविल स्पिरिट मेरे अंदर थी वो मुझे परेशान करने लगी। मेरा पेट ऐसे फूल जाता था जैसे मैं 8 और 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अंदर बेबी मूव होता फील होता था, और पूरे 2 महीने तक मुझे डिलीवरी पेन होता रहा।
पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और 18 अक्टूबर 2020 को जब आप पहली बार चर्च में आए, क्या हुआ उस समय चर्च में जब आए तो? चर्च में जब आए तो वर्शिप चल रही थी और सॉन्ग चल रहा था आराधना हो आराधना, और मैं वो वर्शिप सॉन्ग में ध्यान लगाकर सुनने लगी तो रोना स्टार्ट कर दिया मैंने और कहा कि हे परमेश्वर, अगर तू जिंदा खुदा तू ही है तो तू ही मुझे चंगा कर दे। और उसी दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी ने प्रार्थना की। आइए हम पहले अपने स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आजाद करे, खुदावंद आपको हरा और भरा करे। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना के वर्ड को सुना, रिसीव किया, क्या क्या हुआ उसके बाद प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? मैं उसी दिन से, उसी सेकंड से मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। और उसी सेकंड उसी समय आप चंगे हो चुके थे जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की। हाँ जी। क्या क्या हुआ बताइए बताइए आप। मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत रोने के बाद मेरे मन में उम्मीद आ गई कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊं, कि बचपन से मैं ऐसी ही हूं। तो घर पर आई, वो मेरी जिंदगी की पहली रात थी जब मैं अच्छे से सोई। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की महिमा करें। और आपने लिखा कि उसी समय आपको एक विजन आया था, क्या था वो विजन, क्या था वो? घर जाने के बाद जब मेरे मदर ने बोला कि वर्शिप में बैठ जा, शायद आज की रात भी अच्छे से सो जाए और ऐसे ही तू ठीक हो जाए, तो मैं वर्शिप में बैठ गई। अभी वर्शिप में बैठी ही थी कि 5 मिनट से पहले ही मुझे विजन आया कि मैं ऊपर आसमान की ओर उठाई गई हूँ, तारों में पहुँच गई, और वहाँ सोने के महल में 4 एंजल्स ने मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे प्रार्थना की गहर भाषा में, और सोने की ही गद्दी पर एक आदमी बैठा दिखाई दिया जिसका चेहरा नजर नहीं आया, और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, डॉटर यू आर ब्लेस्ड, नाउ गो हील एवरीवन। हालेलुया! सब खड़े हो जाए अपनी जगह पर और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हर एक जन सभी साजों के साथ मिलके जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताइए सिस्टर, जब आपको विजन आया क्या क्या हुआ उसके बाद? आपने लिखा कि जो 1000 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर थी, क्या क्या हुआ था उस विजन में? उस विजन में जब वो 4 एंजल्स मुझे प्रे करने के बाद हटे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो जो गोल्डन थ्रोन पर आदमी बैठा था उसके पास ले गए। जब वो मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे तो सिर्फ मैं गई और जो वो 1000 से भी ज़्यादा दुष्ट आत्माएं थी वो पीछे खड़ी रह गई, और एक बहुत बड़ा हाथ आया जिसने मुझे छुआ, मुझे अपने बाहों में उठाया, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैर था जो उन 1000 से भी ज़्यादा दुष्ट आत्माओं पर पड़ा और वो वही ख़त्म हो गई। थैंक्स करें पहले अपने हाथों को उठा के जोर से। सिस्टर आप बताएं कि कितने पैसे आपके तांत्रिक और डॉक्टरों के पास जो आपने खर्च कर चुके थे, आप टोटल कितने पैसे आप खर्च कर चुके थे? 28 करोड़ से भी ज्यादा। 28 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आप खर्च कर चुके थे। और चर्च में जब आप मौजूद हुए, चर्च में आए, तब आपके कितने पैसे लगे चर्च में आने के? कोई पैसा नहीं लगा, सब कुछ बस यूं ही हो गया। चर्च में आने की कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं आपसे लिया गया, और आपने जो ले हैंड प्रार्थना करवाई, उस ले हैंड प्रार्थना के कितने पैसे लगे आपके? कोई भी पैसा नहीं लगा, बस सब कुछ फ्री में ही हो गया, बस विश्वास के कारण हुआ। थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। एक 1000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं इस बहन के अंदर थी, बताएं आज ये बहन पूरी तरह से डिलीवर होकर, आजाद होकर आपके बीच में खड़े हैं। 1000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं इनके अंदर थी,
50 बार इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, 15 दिन लगातार इनके इलेक्ट्रिक शॉक लगते रहे, 28 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, ऑस्ट्रेलिया जाकर भी देख लिया, कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला, कहीं से भी आजादी हुए। आज आप देख सकते हैं कि जब ये बहन परमेश्वर के घर में आए तो उसके बाद आज ये बहन पूरी तरह से फ्री होकर छूट कर डिलीवर होकर आपके सामने खड़े हैं। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, अपने हाथों को उठाएं और जोर से थैंक्स करें। सब कार्यों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। सर आप बताइए अभी आप कितनी देर से बिल्कुल फ्री हैं? मैं 5 महीनों से बिल्कुल फ्री हूं और दूसरों को भी चंगा करती। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं। आप आ, आ, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि ये अपोस्टल अंकुर नरूला जी की मेहनत और प्रेयर्स का फल है कि ये चर्च जिंदा है और यहाँ इतने दूत हैं। यहीं पर आओ, कहीं पर भी अपना वक्त और पैसे बर्बाद मत करो और चंगे हो जाओ। जोर से थैंक्स करें परमेश्वर का। इनसे सब होशाना के नारे लगाओ ऊंची ऊंची आवाज में। जोर से अपने हाथों को उठाएं तारियों के साथ, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।